कांग्रेस के दो विधायकों पर भाजपा की नजर, दर्जा प्राप्त मंत्री के मंच पर विधायक का विरोध, किताब बनी नेताजी की मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब बमुश्किल 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में सियासी दलों में टिकट के लिए जंग सी छिड़ गई है। दावेदारों में कोई अपनी ताकत दिखा रहा है, कोई अपने आकाओं को चक्कर लगा रहा है, तो कोई अपने ही दल के कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बुंदेलखंड के एक जिले में सत्ताधारी दल की कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। यहाँ एक दर्जा प्राप्त मंत्री चुनाव लड़ने के इच्छुक है। उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम कराया जिसमें स्थानीय विधायक यानी अपने कॉम्पिटिटर को नहीं बुलाया। चलो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, लेकिन इस प्रोग्राम के मंच पर विधायक के खिलाफ जमकर आग उगली गई। विधायक का नाम लिए बिना एक सरकारी कर्मचारी ने राशन घोटाला और विवाह सहायता राशि घोटाला समेत कई घोटालों का जिक्र कर दिया। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। विधायक के समर्थक पूरा माजरा समझ गए। इस वाक्य के बाद विधायक के समर्थक दर्जा प्राप्त मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। किताब बनी विधायक की मुसीबत। सियासत में कब कौन सी बात या मुद्दा किसी के लिए मुसीबत बन जाए कोई नहीं जानता। ऐसी चीजें अचानक प्रकट हो जाती हैं या फिर विरोधी इन्हें खोज कर ले आते हैं। विंध्य में सत्ताधारी दल के एक विधायक कुछ इसी तरह की मुसीबत का सामना कर रहे हैं। विधायक की लिखी एक किताब चुनावी मौसम में उनके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। विरोधी इस किताब में लिखी बातों को लेकर नेताजी की घेराबंदी कर रहे हैं। किताब में ब्राह्मणों और भगवान राम को लेकर कई आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। हालांकि विधायक जी के करीबी तर्क दे रहे हैं कि यह किताब तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए लिखी थी, अब पार्टी बदल ली है तो उनकी विचारधारा बदल गई है। नेताजी को घर वापसी की उम्मीद। विंध्य क्षेत्र के सत्ताधारी दल के एक कद्दावर नेता के इन दिनों अच्छे दिन चल रहे हैं। हाल ही में उन्हें रुतबे वाला पद मिला है, अब उन्हें घर वापसी की उम्मीद बंधी है। चौथी बार के विधायक ये नेताजी अपने गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। वहां के स्थानीय कार्यकर्ता इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। शहर की सीट पर रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले नेताजी को नए जिला अस्तित्व में आने के बाद पार्टी उन्हें उनके घर क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़वा सकती है। ये संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि नेताजी के गृह क्षेत्र वाली सीट के मौजूदा विधायक को एज फैक्टर के चलते टिकट से वंचित रहना पड़ सकता है। अब इस सीट पर पार्टी को जिताऊ चेहरा तय करने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में नेताजी को अपने घर की सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।